हेलो गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम लोग डब्ल्यू बी जेई एंड जिले 2022 का डोमेशियल एंड नॉन डोमेशियल ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। सो आप अगर एक वेस्ट बंगाल डोमेशियल स्टूडेंट होते हो एंड आपका फ्रेंड अगर कोई अदर स्टेट से बिलोंग करता है लाइक झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार से बिलोंग करते हैं, सो आप दोनों कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फुल एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर द बोथ केस डब्ल्यू बी जेई एंड जिले 2022। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, सो बिफोर आई एम स्टार्टिंग आई वांट टू शेयर एन एप्लीकेशन विथ यू। सो दोस्तों, आप और मैं मोबाइल पर हजारों गेम्स देखे और खेले होंगे, पर आज जो गेम मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम इन माई लाइफ। दोस्तों, अगर आपके पास सेंसिबल ऑब्जर्वेशन है, अच्छी प्रेडिक्शन है, अच्छी एक्सलेंट आईक्यू है, तो ये गेम आपके लिए ही बना है। सो अगर आप इस गेम में 10 रुपीज लगाते हो एंड आप जीत जाते हो तो आपको 1 गुना नहीं 2-3 गुना नहीं टोटल 9 गुना पैसा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और आप हर 15 मिनट्स में 9 गुना पैसा जीत सकते हो। हाँ दोस्तों, ये एक कमाल की एप्लीकेशन है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खेलने से पहले विनिंग लिस्ट को जरूर चेक कर, आपकी ना केवल प्रेडिक्शन स्किल बढ़ेगी साथ ही साथ आप जीतने के चांस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो मैं भी इस गेम को खेल रहा हूँ, सो सोच कह रहे हो जल्दी से डाउनलोड करो, यू कैन लॉग इन वाया फेसबुक, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। सो एट फर्स्ट हम लोग डब्ल्यू बी जेई का देखेंगे, उसके बाद जिलेट का देखेंगे, ठीक है। सो ये रहा डब्ल्यू बी जेई, ठीक है। तो इसमें देखो रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल एंड डोमेशियल क्राइटेरिया, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन में लिखा है द कैंडिडेट्स मस्ट बी ए डोमेशियल ऑफ होम स्टेट वेस्ट बंगाल फॉर एडमिशन इन दिस कॉलेजेस। ओके, यानी आपको वेस्ट बंगाल का डोमेशियल कैंडिडेट होना ही चाहिए अगर आप इस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो। तो फर्स्ट में लिखा है इन एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन एनी गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कॉलेज। ओके, सो आप अगर वेस्ट बंगाल डोमेशियल कैंडिडेट हो तो आप किसी भी सीट में, किसी भी ब्रांच में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यानी किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो आप अगर वेस्ट बंगाल डोमेशियल कैंडिडेट होते हो तो। देन सेकेंड, इन एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन आली यूनिवर्सिटी। सो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी, बीपीडब्ल्यूडी, टीएफडब्ल्यू, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट भी और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट भी आली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो अगर आप डोमेशियल ऑफ वेस्ट बंगाल होते हो तो, ठीक है। थर्ड, इन एनी सीट्स इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी इन वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी एनिमल फिशरी साइंस, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस में आप एडमिशन ले सकते हो इन एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी, ठीक है। एंड रिजर्व कैटेगरी भी जा सकता है और जनरल स्टूडेंट भी जा सकता है अगर आप वेस्ट बंगाल डोमेशियल स्टूडेंट होते हो तो। देन फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 90% ऑफ जनरल कैटेगरी सीट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा 90% क्यों बोला गया है, ठीक है। सो इधर आप लोग देखो 90% ऑफ जनरल कैटेगरी बोला गया है, रिजर्व कैटेगरी नहीं बोला गया है, 90% ऑफ जनरल कैटेगरी। सो फॉर एग्जांपल जादवपुर यूनिवर्सिटी में टोटल 100 सीट है, उनमें से 50 सीट रिजर्व होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी, एओबीसी, बीपीडब्ल्यूडी, टीएफडब्ल्यू के लिए 50 सीट रिजर्व है। अभी आते हैं बाकी 50 जो सीट बचा वो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो उनमें से जो 90% है यानी 50 का 90% कितना हो गया है 45, तो 45 सीट अवेलेबल है फॉर वेस्ट बंगाल डोमेशियल स्टूडेंट्स, और जो बचा 5 सीट वो रिजर्व होता है आउट ऑफ बंगाल स्टूडेंट्स के लिए यानी अदर स्टेट वालों को, ठीक है। सो टोटल अगर 100 सीट होता है तो 100 सीट में 50 सीट रिजर्व होता है एससी, एसटी, ओबीसी, एओबीसी, बी, पीडब्ल्यूडी, टीएफडब्ल्यू के लिए, और 50 हो गया जनरल के लिए। तो 50 में 90% कितना हो गया 45, तो 45 रिजर्व हो गया वेस्ट बंगाल डोमेशियल स्टूडेंट के लिए, और बाकी बचा 5 सीट, तो 5 सीट होता है माने 5 सीट जो होता है वो अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अभी आते नंबर 5, एनी रिजर्व कैटेगरी सीट्स एसटी, यानी जितने भी रिजर्व कैटेगरी सीट है कोई भी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी, बीपीडब्ल्यूडी, पीटीएफडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आप वेस्ट बंगाल डोमेशियल कैंडिडेट होते हो तो, ठीक है, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। सो अभी आते हैं जिले 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फॉर जिले 2021 नीचे लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा है,
तो जिलेट 2022 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है, यानी पोर्टल में अपलोड नहीं किया गया है अभी तक। तो इसीलिए एज पर 2021 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोग बताऊंगा, तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे भी इसी साल होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम सेम ही होता है। सो आप लोग देख सकते हो, रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल डोमिसाइल क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ होम स्टेट वेस्ट बंगाल फॉर एडमिशन इन, यानी आपको डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल होना ही चाहिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो फर्स्ट क्या लिखा है, एनी स्टेट्स इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी इन एनी गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी कॉलेज, ओके, तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो आप अगर वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट होते हो तो, ठीक है। सेकंड लिखा है, इन एनी सीट्स इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन आलिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस, ओके, सो आप अगर वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट होते हो तो आप आलिया यूनिवर्सिटी में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल फिशरी साइंस में एडमिशन ले सकते हो। सो इसमें अदर स्टेट वालों एडमिशन नहीं ले सकता है। तो ये जो तीन यूनिवर्सिटी है, आलिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड WBUAFS, ठीक है, सो इस तीनों यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ बंगाल वाले स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता है, ठीक है, एज पर प्रीवियस ईयर एलिजिबिलिटी। देन थर्ड, इन एनी रिजर्व कैटेगरी लाइक SC, ST, OBC, OBC, B, PWD इन एनी इंस्टीट्यूट, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आप अगर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट होते हो तो। सो जिलेट में ओनली वेस्ट बंगाल स्टूडेंट ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है एंड आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, बट WBJEE में ओनली 10% जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ही आउट ऑफ बंगाल वाले अगर होता है तो एडमिशन ले सकता है, ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि लैटरल वालों को यू ही सीट बहुत ही कम रहता है, 10% सीट रहता है हर एक कॉलेजेस में, इसीलिए, ठीक है। सो अदर स्टेट स्टूडेंट्स को मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जिलेट में आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकोगे, और जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है वो रूल्स एंड एलिजिबिलिटी चेंज होता रहता है, तो उसका एलिजिबिलिटी बहुत जल्द आ जाएगा, यानी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, जब वो आ जाएगा मैं आप लोगों को बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोगों को नहीं मिला, यानी आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं ले सकोगे इस बार, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि अदर स्टेट वाले कौन कौन से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, बट आप भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, तो वो कौन कौन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो उसके ऊपर हम लोग सेपरेट करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आउट ऑफ बंगाल वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते जिसमें फीस थोड़ा कम है, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग डीपली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नो प्रॉब्लम। सो इतना ही था वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।